शर्मा है और मैं भरतपुर ज़िले से उपेन भाई साहब के नेतृत्व में आया हूँ। पिछले 30 या 35 दिन से हम रेट के 50,000 करवाने के लिए उपेन भाई साहब के नेतृत्व में धरना स्तर पर धरना दे रहे हैं। हमारी मांग बेरोजगारों की सभी की एक ही मांग है, सर हमारी मांगें जल्दी पूरा कर दो। लेकिन सरकार ने पिछले 30-35 दिन से हमारी मांग बिल्कुल नहीं सुनी है। सर आज से 3 साल पहले रीट 2021 की भर्ती निकाली गई थी, उसमें 31,000 पद थे, लेकिन आज इस भर्ती प्रक्रिया को 3 साल पूरे होने को आए हैं। इससे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, इसमें करीब 27 लाख के लगभग अभ्यर्थी बैठे हैं और पदों की संख्या सिर्फ 31,000 है, जो बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। EWS जो अब की बार शामिल हुआ है उसमें 31 से पद बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने वो पद नहीं बढ़ाए, बल्कि सामान्य में से ही काट के वो पद निकाल दिए गए। अब की बार BCOM को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो उससे भी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है। अब की बार BEd सेकेंड ईयर को मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है शामिल करने का, उससे भी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है। तो इसमें सिर्फ अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और पद सिर्फ 31,000 हैं, मतलब ये पद इतने कम हैं। और अब की बार सर ये थोड़ा बहुत पेपर लीक प्रकरण भी हुआ है, इसमें बतीलाल को जिसको पकड़ लिया गया है और भजनलाल जो अभी पकड़ा नहीं गया है, सर इसमें इतना पेपर लीक हुआ है। सर मेरा खुद का, मैं जहाँ पे पेपर देने गया था सर, वो भी पेपर मतलब उसकी भी सील टूटी आई थी। मेरा सर खुद का पेपर इतना दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन जैसे तैसे करके सर मैंने मेरा खुद का एग्ज़ाम किया था। सर जो लड़के सिर्फ दो दिन में अपना पेपर लेके और पूरा पेपर कर देते हैं, सर हम 3 साल मेहनत किए, सर 3 साल मेहनत करके हम बड़ी मुश्किल से 130 और 128 नंबर लेके आए हैं। सर पिछली भर्तियों में 110 पे नंबर आ गया था, लेकिन अब की बार हमें 128 नंबर लाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हमारा नंबर नहीं आएगा। सर इसलिए हम मुख्यमंत्री साहब से सर एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो हमारे पास 31,000 हैं उनको 31,000 से बढ़ाकर सर 50,000 कर दिए जाएँ। कुछ हमारे साथी बड़े साथी ऐसे हैं जिनका ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद भी एज ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, अगला एग्ज़ाम वो दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भर्ती 3-3 साल में पूरी हो रही है, इसके बाद वो अगले एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाएंगे। सर तो उनकी भी बेरोजगारी को देखते हुए, और राजस्थान में जो इतनी बड़े स्तर बेरोजगारी बढ़ रही है, इन बेरोजगारों का सच में अगर मुख्यमंत्री साहब भला चाहते हैं तो पदों की संख्या वो 31,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाए। और ये रीट की भर्ती राजस्थान के अंदर प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2019 में घोषणा हुई थी, जो अगस्त 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण लगातार 2 साल तक लंबित रही, जिस कारण बेरोजगारों की संख्या और बढ़ गई, लेकिन सरकार ने पदों की संख्या नहीं बढ़ाई। अभी राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या चरम पर है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, राजस्थान के नेता, राजस्थान की जनता इसे यहाँ उत्तर प्रदेश क्यों आ गए? सर हम उत्तर प्रदेश प्रियंका जी से ये अरदास करने आए हैं कि हमें हमारी रीट की पदों की संख्या में 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करवाने में हमारा सहयोग करें, हम आपके आभारी रहेंगे। हम दर दर ठोकरें खा रहे हैं लगातार शहीद स्मारक पर। चैनल के माध्यम से मैं प्रियंका गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान में रीट की भर्ती में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 51,000 तक करने की का प्रयास करें, कष्ट करें। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के तत्वाधान में बैनर तले माननीय भाई साहब उपेन्द्र जी यादव के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। हमारा यहाँ कोई ये मकसद नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी का विरोध करें या किसी का विरोध करें, हमें हमारी मांगों से मतलब है और हम उसी के लिए आए हैं। राजस्थान सरकार हमारी सुन नहीं रही, पिछले 45 दिन से हम राजस्थान में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन हमने वहाँ दिवाली मनाई, दशहरा मनाया, भैयादूज मनाई, लेकिन सरकार ने हमारी पीड़ाओं को नहीं सुनी। अब इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम इन प्रियंका गांधी जी के पास यहाँ आए हैं कि आप राजस्थान सरकार को एक मंच ऐसा हमारे बेरोजगारों को उनके बीच में बनाए, पुल का काम करे, ताकि सरकार हमारी ये पीड़ाओं को सुने। मैं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का छात्र हूँ। इस भर्ती के अंदर 689 सीटें सरकार ने आरक्षण के कारण किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी। हमारी इसमें छोटी सी मांग ये थी कि आप इन काटी गई सीटों को पुनः जोड़ो। अब सरकार PCC चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने घोषणा भी कर दी कि इन बच्चों का ये काम होगा और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, लेकिन अधिकारी लेवल पर इस काम को रोका जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि लाल फीताशाही को बंद करें। सरकारों को चुनाव में जाना पड़ता है, पार्टी को चुनाव में जाना पड़ता है, तो अफसर इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है? जब सरकार चाह रही है, मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, माननीय PCC चीफ चाह रहे हैं, तो फिर इसको रोका क्यों जा रहा है? तो ऐसे जन विरोधी माहौल जो बन रहा है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, मैं विश्वास है कि वो हमें बुलाएंगे, हम उन्हीं के बच्चे हैं और हमारी मांगे माने जाएगी।